चर्चा हुई। तो मैं इस आज की सभा में उपस्थित महाराष्ट्र पधारे हुए संभाजी साहब को धन्यवाद देता हूं, जो हमारी प्रस्तावना को इन्होंने मूर्त रूप आकार दिया और आज इनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। परसों मेरी चर्चा हुई थी कुछ बाजी के सामने कि 24 तारीख को आपका जन्मदिन है, तो मैं अग्रिम बधाई आपको दे रहा हूं। और संभाजी भी छूटते कहा कि भाई बधाई के साथ साथ उस दिन हम लोग कार्यक्रम भी करेंगे, तो बड़ी प्रसन्नता हो गई। और वह कार्यक्रम मुकेश जी के सहयोग से आज मूर्त रूप ले रहा है, इसके लिए मैं मुकेश जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो सारे लोग मिल करके इनके जन्म दिवस को एक महोत्सव के रूप में परिणत कर दिया। हमारे कुल सचिव डॉक्टर देवेंद्र नाथ शाह जी ने जो कुछ कहा बिल्कुल सच कहा है कि दक्षिण गए थे हिंदी प्रचार के लिए, वहां इनके बारे में परिवर्तन आया कि क्यों नहीं मैं अपने क्षेत्र से प्रचार करूं, और यहाँ आकर के विक्रम सिन्हा हिंदी विद्यापीठ की स्थापना कर दी, और आज उसका प्रतिफल है। हम सब यहाँ बैठे हुए हैं और संपूर्ण भारत इस विद्यापीठ की छत्र छाया में हिंदी साहित्य का प्रचार प्रचार कर रहा है और इसके लिए कटिबद्ध है। तो मैं इस सभा में उपस्थित इन तीन विभूतियों के उपरांत हमारे बाराहाट पंचायत के भूतपूर्व सरपंच शंकर साहब शंकर बाबू को और हमारी महिला कल्याण समिति की एक वरिष्ठ या ऐसा कहा जाए प्राण स्वरूपा जो श्यामा जी है, जो हर कार्यक्रम में बहुत ही तर्मयता के साथ आगे बढ़ती हैं, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मांडवी जी तो कवित्री हैं, कवि हृदया हैं और बहुत ही व्यवहार कुशल और प्रसन्न हृदया हैं, तो मैं इनको बात बात धन्यवाद देता हूँ कि आप सब मिल करके जो यह कार्यक्रम कर रहे हैं यह बहुत ही प्रशंसनीय है, आशंसनीय है। हमारे भाई जो चिकित्सा साहित्य अंगिका हिंदी भोजपुरी जिसमें भी कहा जाए उसमें महारत इनको हासिल है, डॉक्टर जोगेश कौशल जी एक चर्चित नाम एक चर्चित हस्ताक्षर यहाँ उपस्थित हैं। और हमारे दीपंकर जी जो हमारे कुशवाहा जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं, भोजपुरी के बहुत अच्छे रचनाकार गीतकार हैं। भाई सुदामा जी जो बड़े ही मितभाषी और कार्य में बड़े ही प्रॉम्प्ट दक्ष, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब प्रेस मीडिया जो हमको इस कार्यक्रम के बाद भी लोगों से रूबरू कराते रहेंगे अमरिंदर जी, तो इनको मैं धन्यवाद देता हूँ जो इन्होंने सारे विद्वानों को अपने कैमरे में कैद करके उनकी आवाज के साथ रखा है ताकि जब चाहूं मैं लोगों को सुना सकूं और इनसे रूबरू करा के अपने बाराहाट के जस प्रतिष्ठा को आगे बढ़ा सकूं, तो मैं इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं। मेरे बच्चे स्वरूप सोमप्रक ओमप्रक जितने जो है यहाँ पर, ये सभी जितने बाल बच्चे हैं यहाँ पर सभी इस अच्छे सारस्वत गोष्ठी में उपस्थित हुए हैं, आप लोग अच्छे कामों में उपस्थित रहे, आपने प्रेरणा जगे, इसके लिए मैं मंगल कामना करता हूँ कि आप सबों में अच्छी बुद्धि विवेक का प्रतिबिंब हो, उसका प्रचार प्रसार हो, आप चेतना जगे। डॉक्टर कुशवाहा जी के बारे में कुछ भी कहना सूरज को दीपक दिखाने के समान है। मैं जब से इनके संपर्क में आया हूँ तो मैं इनको काशी जैसा पवित्र मानता हूँ, जिस तरह काशी में एक जाने पर आर्थिक शांति मिलती है, उस बाद के संगति में आने के बाद एक शांति मिलती है, लगता है मैं साहित्य तीर्थ में आ गया। और इनसे जितने भी बातें होती हैं ये साहित्य संबंधी बड़ी गूढ़ बातें होती हैं, और यहाँ तक कि रात में 10-11 बजे बाद भी जब इनकी कभी कभी बातें हो जाती है थोड़ी प्रसन्नता होती है और ये बात करने लगते हैं, उस समय भी लगता है कि बिल्कुल दिन रात साहित्य के प्रति समर्पित करती है। तो ऐसे साहित्य पुरुष का अभिनंदन करना यह बहुत बड़ा कार्य है। और मैं आकर के जैसे परसों कहा तो ये मुस्कुराने लगे, इसलिए कि 24 अप्रैल जो है वीर कुंवर सिंह जयंती के बाद एक दूसरे साहित्यिक वीर को जन्म दे दिया। 23 तारीख को भारत भूमि की धरती पर एक ऐसे योद्धा का जन्म हुआ था वीर कुंवर सिंह, जिसके छत्र छाया में स्वतंत्रता आंदोलन लड़ा गया, और हम लोग यहाँ मिल करके साहित्यिक आंदोलन इनकी छत्र छाया में लड़ रहे हैं, और ये 24 तारीख को हुए हैं। ऐसे महापुरुष का जो है हम वंदन अभिनंदन और इनका अभ्यर्थना करते हैं, इनकी अभ्यर्थना करते हैं। कुशवाहा जी के संबंध में जितनी बातें कही जाए बहुत कम ही होंगी, तो मैंने
एक निचोड़ स्वरूप एक कविता लिखी है इनके ऊपर, मैं चाहता हूं उसका पाठ मैं कर दूं। ओमा और सवर्णा लिखने वाले कवि की जय हो, ओमा और सवर्णा लिखने वाले कवि की जय हो, गीत चिरे के माद्री के कविवर का पंथ अभय हो, गीत चिरे के माद्री के कविवर का पंथ अभय हो, लिखा अंगिका काव्य शास्त्र का मानक ग्रंथ सहारा, और अंगिका का जिनने इतिहास महोत्तम न्यारा, उस कुशवाहा तेज नारायण जी को कोटि नमन है, अतिशय श्रद्धा पूज काव्य में यह अर्पित वंदन है, सत साहित्य सुलेखन की जिसने नित ज्योत जगाई, सत साहित्य सुलेखन की जिसने नित ज्योत जलाई, जन जन के मन में भाषा के प्रति जो प्रीत जगाई, जिनसे जनपदीय भाषा वैभव प्रतिफल हर्षाया, सत साहित्य सुलेखन कविता जिनने मान बढ़ाया, अहो रात सुचिंतन करते मिलन सारिता अनुपम, वैदिक संस्कृति के समर्थ संवाहक रहकर हरदम